कैसे बाबा साहेब ने हमारे समाज के लिए कितनी सारी चीज़ें की हैं, दलितों के लिए इतनी चीज़ें की है, यहाँ तक कि उन्होंने संविधान की रचना की। और वो एक ऐसे इंसान थे जो संविधान सभा की अध्यक्षता केवल वही कर सकते थे, वही केवल भारत में योग्य थे। ये सब चीज़ें जो हैं बाबा साहेब ने हमारे लिए की, लोगों के लिए की, ताकि उनका उत्थान हो, हमारे देश का विकास हो सके। पूजा जी की आपने पढ़ ली हैं, फाइनल है, तो महिलाओं के लिए बाबा साहब ने क्या काम किया? जी, महिलाओं के लिए जैसा कि हम उनकी वाइफ को जानते हैं कि उन्होंने अपनी वाइफ का बहुत समर्थन किया है, उनकी वाइफ ने उनका बहुत समर्थन किया है। बाबा साहब की वाइफ का नाम क्या था? रमाबाई। रमाबाई था बाबा साहब के? अच्छा, हाँ। तो हम जानते जैसे कि हम जानते हैं कि उनकी वाइफ ने बाबा साहब का बहुत सारा समर्थन किया है, कंडे वंडे बना के, जो उपले थे वो बना के उनकी हेल्प किया, उन्होंने पूरी फैमिली का जो बोझ था वो अपने आप बनाती थी, वो मार्केट के अंदर बेच कर आती थी। कोई ये ना कह दे कि इनका जो पति है वो विदेशों के अंदर स्टडी कर रहा है और इनकी धर्म पत्नी यहाँ उपले पात कर अपने परिवार का इस तरीके से घर चला रही हैं। जी, तो उन्होंने इसीलिए उनका समर्थन किया ताकि वो बाहर अपना काम कर सके, जो उनका काम समाज जो है वो आगे बढ़ सके, लोग आगे बढ़ सके, इस वजह से बाबा साहेब काम कर रहे थे। और उनकी पत्नी इसी चीज़ में समर्थन कर रही थी कि ताकि वो उन समाज का उत्थान कर सके, इस वजह से वो बाबा साहेब को बहुत समर्थन करती थी, घर का जो खर्च था वो वही संभालती थी। पूजा जी, आप ये फाइनल करने के बाद में आपकी क्या हॉबी, मतलब क्या हॉबी है, आप क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं आप? जी, अभी तो मेरा IAS एस्पिरेंट का हैगा। IAS का है जी? तो IAS बनने के बाद में आप क्या करेंगे, अपना भला करेंगे, परिवार का भला करेंगे, समाज को देखेंगे नहीं? जैसा कि सभी जानते हैं, मैं अपना भला तो करने के लिए IAS बनना नहीं चाहती, समाज का ही भला करने के लिए चाहती हूँ। और मोस्टली लोग आपको IAS जो बनना चाहते हैं वो समाज का भलाई करने के लिए नहीं, बहुत से मोड़ जो इस समय जो वर्तमान हालत है इस देश की, जो IAS है, IPS है, एक वो सरकार से बंध गए हैं, लेकिन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या जो विधायक हैं वो समाज का काम नहीं कर रहे हैं। उनको आज जो 2 तारीख का जो एक बंद का जो माहौल था, उन्होंने अभी तक ये नहीं बोला कि मेरे समाज में इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, इनको रोका जाए पार्लियामेंट के अंदर। जी, तो ये हम देखते हैं कि सामान्य जो वर्ग था वो भी चाहता है कि अब हमें आरक्षण मिलना चाहिए, जिस प्रकार SC ST OBC को मिलता है, तो उनको ये नहीं लगता कि हमारी जनसंख्या 85% SC ST OBC है और 15% केवल जनरल कास्ट है, उनको मिलना चाहिए ये सब चीज़, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं कि, और इस चीज़ के लिए भारत बंद कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, और विधायिका, कार्यपालिका सबको इन पर कार्य करना चाहिए। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी कोई कार्य जो है इस पर किया नहीं गया है।